अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम 6 साल की बच्ची के लिए बहुत खूबसूरत रफल फ्रॉक बनाएंगे और 3 लेयर्स में हम गैदर्स अटैच करेंगे और इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। और ये मैं तकरीबन 1.5 से 1.75 मीटर फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और ये थोड़ा सा इनर फैब्रिक है जिसके ऊपर हम रफल्स अटैच करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना इनर फैब्रिक लेंगे और इसकी मैंने 2 स्ट्रिप्स कट की हैं। इन दोनों की लंबाई हमारे फुल लेंथ फ्रॉक से कम है क्योंकि हमारी आखिरी रफल नीचे अटैच होगी तो हमारी फ्रॉक की लेंथ बराबर हो जाएगी। इसलिए मैंने इनर फैब्रिक सिर्फ 13 इंच लॉन्ग लिया है और ये 2 स्ट्रिप्स हैं फ्रंट और बैक के लिए और दोनों की चौड़ाई 25 इंच है। हमने रफल्स 3 लेयर्स में अटैच करनी है। सबसे पहली जो लेयर है वो वेस्ट के साथ अटैच होगी और उसके बाद 6 इंच के फासले से हमने सेकेंड लेयर और इसके आगे 6 इंच के फासले से थर्ड लेयर अटैच करनी है। तो 3 लेयर्स मिलाकर हमारे स्कर्ट की टोटल लेंथ 18 इंच हो जाएगी। 6 3s are 18, तो हमारे पास 3 लेयर्स आएंगी। तीसरी लेयर नीचे अटैच होगी और वो हमारे इस इनर से नीचे लटक रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 लेयर्स अटैच करेंगे। तो हमने सिंपल इनर के ऊपर मार्किंग करनी है 6 इंच के फासले से। इसी तरह बैक के पार्ट पर भी हम मार्किंग करेंगे, वेस्ट से नीचे 6 इंच और उससे आगे 6 इंच पर हम मार्क करेंगे। इस तरह से पहली लेयर यहाँ, दूसरी यहाँ और तीसरी नीचे लटक रही होगी, ठीक है। अब इन दोनों पीसेस को हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, मैंने फ्रंट और बैक को आपस में ज्वाइन करके लॉन्ग स्ट्रिप बना ली है। अब हम अपनी फ्रिल्स के लिए स्ट्रिप्स काटेंगे। स्ट्रिप्स का हमने आपस का फासला 6 इंच रखा है तो हमें स्ट्रिप्स 2 इंच फालतू कट करनी है, यानी 8 इंच की हमने स्ट्रिप्स कट करनी है। 1 इंच सीम अलाइंस और फोल्डिंग के लिए और दूसरा इंच ओवरलैपिंग के लिए। हमने कपड़े को इस तरह चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है और ये ऑन फोल्ड 20 इंच है। हमारा फ्रंट भी 25 इंच का है इनर में और बैक भी 25 इंच की है। तो यानी फ्रंट के लिए भी हम 40 इंच वाइड स्ट्रिप कट करेंगे और बैक के लिए भी 40 इंच वाइड स्ट्रिप करेंगे। यानी हमें हर लेयर के लिए 2 स्ट्रिप्स कट करनी है। टोटल हमने 6 स्ट्रिप्स कट करनी है। पहली लेयर की लंबाई हम 7.5 इंच रखेंगे और उसके बाद बाकी 4 स्ट्रिप्स की लंबाई हम 8 इंच लेंगे क्योंकि पहली स्ट्रिप हमारी इनर की वेस्ट के साथ ही अटैच होगी और बाकी स्ट्रिप्स मैं आपको बताऊंगी कि हमें उसके एक्स्ट्रा सीम अलाउंस के लिए आधा इंच चाहिए। तो देखिए, मैंने ये मार्किंग कर ली है। ये 2 स्ट्रिप्स 7.5 इंच लॉन्ग है और ये 2 स्ट्रिप्स 8 इंच लॉन्ग है, ये फर्स्ट लेयर के लिए, ये सेकेंड लेयर के लिए और अब थर्ड लेयर के लिए भी हम 8 इंच लॉन्ग स्ट्रिप्स कट करेंगे, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। ये स्ट्रिप्स ऑन फोल्ड 20 इंच है और खोल कर ये 40 इंच वाइड है। इस फैब्रिक से हम बॉडीज और स्लीव्स निकालेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर की 2 स्ट्रिप्स हैं, ये इस तरह से आएंगी फ्रंट और बैक के लिए। ये थर्ड लेयर की 2 स्ट्रिप्स हैं फ्रंट और बैक के लिए और जो फर्स्ट लेयर है इसकी चौड़ाई भी हम कुछ कम करेंगे। हमें इसे पूरी 2 स्ट्रिप्स नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी वेस्ट के साथ अटैच होगी और वेस्ट हमारी 24 इंच है सिर्फ, इसलिए गैदर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट लेयर में 1.5 स्ट्रिप यूज़ करेंगे तो हमारी फर्स्ट लेयर इतनी चौड़ी होगी। तो बाकी दोनों लेयर्स में 2-2 स्ट्रिप्स हैं, पहली लेयर में 1.5 स्ट्रिप है। अब हम हर लेयर की 2 स्ट्रिप्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और दामन से बारीक बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और दामन से बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने तीनों लेयर्स की आपस की स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर लिया है और दामन से बारीक फोल्ड करके सिलाई भी लगा ली है और ऊपर के हिस्से पर रनिंग स्टिच किया है जिससे हम चुनटे बनाएंगे। तो सिंपल नीडल थ्रेड से मैंने रनिंग स्टिच किया है। इस साइड पर एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसको हम इस तरह खींचेंगे तो हम अपने गैदर्स को इस तरह एडजस्ट कर लेंगे तो बहुत आसानी से ये रनिंग स्टिच हो जाती है। इस साइड पर नॉट लगाई है और इस साइड पर हमारे पास एक्स्ट्रा थ्रेड है। अब हम अपनी फ्रिल्स को इनर के साथ अटैच करेंगे। पहली फ्रिल यहाँ, दूसरी और तीसरी फ्रिल यहाँ आएगी। सबसे पहले हम नीचे वाली फ्रिल अटैच करेंगे, इससे फ्रिल्स अटैच करने में बहुत आसानी होती है। तो ये देखिए, हमारी ये नीचे वाली फ्रिल है, ये जॉइंट है, यानी एक स्ट्रिप ये है और एक स्ट्रिप ये, इसको हम सेंटर के जॉइंट पे रखेंगे ताकि चुनटे हमारी बराबर आए।
फ्रिल हमारी इस तरह से अटैच होनी है, लेकिन हम सिलाई इस तरह पलट कर लगाएंगे ताकि मार्जिन सामने से नज़र ना आए, और हमारी सिलाई इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए जो हमने पहले ड्रॉ की थी। यहाँ पे हम पिन लगा देते हैं ताकि हमारे रफल्स दोनों तरफ बराबर हों, और इस तरह से हम गैदर्स एडजस्ट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सबसे निचली लेयर अटैच कर ली है और ये इस तरह से आएगी। और फ्रिल अटैच करते हुए साइड से मैंने थोड़ा सा अनस्टिच रखा है, ये देखिए ये हिस्सा आपने थोड़ा सा अनस्टिच रखना है ताकि जब हम साइड की सिलाई लगाएं तो फ्रिल बीच में ना आए। अब हम दूसरी फ्रिल अटैच करेंगे, सिंपली हम इसको यहाँ पर रखेंगे, ये इस तरह अटैच होनी है। इसको भी हम पलट कर ही सिलाई करेंगे इस तरह से, और सिलाई हमारी इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। बिल्कुल सीधा कपड़ा है, कोई अरेब नहीं है, बहुत आसानी से ये सिलाइयाँ लग जाती हैं, कोई कटिंग की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए मैंने सेकंड लेयर भी सिलाई लगा ली है और ये इस तरह से आएगी। और हमने चूँकि स्ट्रिप की लंबाई ज़्यादा रखी थी तो ओवरलैपिंग भी आप देख सकते हैं। अब पहली फ्रिल हमने वेस्ट पे अटैच करनी है, लेकिन उसके लिए पहले हम इसको प्लीट डाउन करेंगे इनर फैब्रिक को। हमारी वेस्ट 24 इंच है तो हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स डाल के 24 इंच तक प्लीट डाउन कर लेंगे। ये देखिए मैंने 24 इंच तक प्लीट डाउन कर लिया है जितनी हमारी वेस्ट है, और 1 इंच का सीम अलाउंस भी रखना है, यानी 25 इंच तक प्लीट डाउन करना है। अब इसके ऊपर हम पहली फ्रिल अटैच करेंगे और ये हमने बिल्कुल सीधी रख कर अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी पहली फ्रिल भी हमने अटैच कर ली है, तीनों फ्रिल्स हमारी अटैच हो गई हैं इस तरह से। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड से हमने फ्रिल्स को थोड़ा अनस्टिच रखा था तो साइड की सिलाई लगाते हुए फ्रिल्स बीच में नहीं आएंगी। इस तरह से हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई मैंने लगा ली है और राइट साइड से ये देखिए इस तरह से है, हमारी फ्रिल्स यहाँ से भी अनस्टिच हैं। तो हम फ्रिल्स को इस तरह मिलाकर, सीधी साइड्स मिलाकर सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद जो हिस्सा अनस्टिच है उसको हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रिल्स भी हमने अब सिलाई लगा ली हैं और इतने हिस्से को भी स्टिच कर लिया है। स्कर्ट हमारा बहुत आसानी से, इतना प्यारा सा स्कर्ट तैयार हो गया है, इसमें हमें कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आप देख सकते हैं कोई जॉइंट भी हमारा फ्रंट से विजिबल नहीं है। अब हम बॉडीज को तैयार करेंगे और स्कर्ट से अटैच कर लेंगे। बॉडीज़ के लिए मैंने ये दो पीसेज लिए हैं, दोनों की लंबाई 12 इंच रखी है और चौड़ाई हमने फ्रंट पार्ट की 16 इंच लेनी है, और बैक पार्ट की मैंने 4 इंच ज़्यादा रखी है, ये 20 इंच है, क्योंकि हमने सेंटर बैक पर बटन प्लैकेट बनाना है इसलिए। अब हम दोनों को फोल्ड करेंगे और ऊपर नीचे रखेंगे इस तरह से, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा सेंटर में है। अब हम सबसे पहले शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और आर्म होल के लिए 6 इंच पर। चेस्ट का 1/4 हम 7 इंच लेंगे और वेस्ट के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम बैक आर्म होल और थोड़ी सी डीप फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई मैं 2.75 और डेप्थ 3.25 ले रही हूँ, और इस तरह गुलाई में मिला देंगे। बैक की गहराई हम 1.5 इंच लेंगे और इस तरह गुलाई में मिला देंगे। बैक पार्ट को हम इस तरह सीधा एक्सटेंड कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर, और अब हम कटिंग करेंगे पहले बैक पार्ट की। बैक का पार्ट सेपरेट कर लेंगे और बैक को हम सेंटर से स्प्लिट कर लेंगे, यहाँ हमने बटन प्लैकेट बनाना है, और उसके बाद फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक लाइन की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारी फ्रंट बॉडीज़ है और ये बैक बॉडीज़ है जो टू पीसेज में है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर मैंने ये मार्क कर लिया है, और अब हमने बटन प्लैकेट बनाना है। एक साइड को हम फोल्ड करके इस निशान तक ले आएंगे और दूसरे हिस्से को इस निशान से फोल्ड करना है हमने, और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एक हिस्से को मैंने फ़ोल्ड करके निशान तक लेकर आई हूँ और दूसरे हिस्से को उस निशान तक फोल्ड किया है। अब हम दोनों पीसेस को ओवरलैप करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो हमारा प्लैकेट तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने बटन प्लैकेट बना लिया है सिलाई लगाने के बाद। अब फ्रंट और बैक को आपस में इस तरह मिलाएंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर्स हमने अटैच कर लिए हैं, इसके बाद हमने नेक की फिनिशिंग करनी है। तो मैंने बिल्कुल नेक की शेप में ही इनर फैब्रिक से ये स्ट्रिप कट की है, थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा रखी है ताकि कॉर्नर से फिनिशिंग कर सकें,
और अब हम इसको राइट साइड पर सिलाई लगाकर उल्टी तरफ पलट लेंगे। आर्म होल के लिए भी मैंने इसी तरह से 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स कट की हैं उसी शेप में, लेकिन ये अभी हम अटैच नहीं करेंगे, स्लीव्स लगाने के बाद अटैच करेंगे। ये देखिए मैं नेक की स्ट्रिप को रॉन्ग साइड पर पलट कर फिनिशिंग कर ली है, हमारी नेक की अच्छे से फिनिशिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे और ये हम फ्रिल बनाकर अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने दो स्ट्रिप्स ली हैं और दोनों की चौड़ाई तकरीबन ये 19 to 20 इंच है और लंबाई 7.5 इंच है। हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये फोल्डेड साइड है, सेंटर से हम दोबारा पलटेंगे इस तरह। यहाँ से हमें मैक्सिमम चौड़ाई लेनी है और आगे से हम इस तरह से स्लोप देंगे, यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से हमारी इस तरह की कटिंग हो जाती है, दोनों स्लीव के लिए हो गई। अब यहाँ पर हम ये जो ओपन साइड है यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे ताकि दोनों पीस अटैच हो जाएं। अब हमने सिलाई लगाने के बाद इनको बॉडीज़ पर अटैच करना है, तो पहले हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर से मैं नीचे 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, इसी तरह इस साइड पर भी शोल्डर से नीचे 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ जहाँ तक हमने अपनी फ्रिल को प्लीट डाउन करना है। इसी तरह से दूसरी स्लीव के लिए भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमने स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाना है और बाकी पूरी स्ट्रिप को इस तरह प्लीट्स बनाकर इस निशान तक ले आएंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों फ्रिल्स अटैच कर ली हैं राइट साइड पर रखकर। अब हमने जो स्ट्रिप्स कट की थी अब हम इसको अटैच करेंगे। सिंपली इसके ऊपर रखकर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है, इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और अब हम अपनी फ्रिल को जब पलटेंगे तो ये आसानी से पूरा मार्जिन इस तरह फोल्ड हो जाएगा। इस स्ट्रिप को हम इस तरह फोल्ड कर कर और फिनिशिंग कर लेंगे। मैंने नेकलाइन पर भी हैंड स्टिच किया था और मैं आर्म होल पर भी हैंड स्टिच करूँगी। यहाँ पर मशीन से सिलाई भी लगाई जा सकती है और हैंड स्टिच भी किया जा सकता है। ये देखिए मैंने पहले पिन्स लगा ली हैं और अब मैं हैंड स्टिच कर लूँगी। हैंड स्टिच करने के बाद हमारे आर्म होल की भी फिनिशिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं ये स्लीव्स। अब हम फ्रंट और बैक को मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। लेकिन साइड की सिलाई लगाने से पहले हम बीच में बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए आप मेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, रिबन्स यूज़ कर सकते हैं और मैंने ये इनर फैब्रिक से दो बेल्ट्स बनाई हैं। इन्हें हम यहाँ नीचे से 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई करेंगे और उसके बाद साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने साइड की सिलाई लगा ली है और यहाँ से मार्जिन को फोल्ड करके सिलाई लगाई है ताकि ये आर्म होल से नज़र ना आए। अब हम बॉडीज़ को सीधा करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसकी स्लीव्स लग रही हैं और बेल्ट भी हमारी बीच में अटैच हो गई है, इसका फ्रंट पार्ट है, बॉडीज़ रेडी है। अब हम इसको स्कर्ट से अटैच कर लेंगे। स्कर्ट हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं बहुत आसानी से, अब हमने वेस्ट से अटैच करना है बॉडीज़ और स्कर्ट को। इसके लिए इस तरह हम पलटेंगे, बॉडीज़ बीच में आएगी और वेस्ट से सिलाई लगा लेंगे। वेस्ट से सिलाई लगाने के बाद हमारा फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये देखिए आई होप कि आपको ये मेथड बहुत आसान लगा होगा और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है स्लीव्स और ये बाकी ड्रेस भी। और इसके बैक पर हम बेल्ट टाई कर लेंगे, यहाँ पर हम 3 बटन्स अटैच करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से हमारा ड्रेस रेडी हो गया है। ये देखिए बटन्स मैंने अटैच कर लिए हैं बटन होल बनाकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।